खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर भाजपा की आर्थिक नीति बदहाल, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, किसानों के मुद्दे पर फेल मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में भारत बचाओ महारैली, लाखों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। दिल्ली रामलीला मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित करते हुए मोदी की नीतियों का विरोध किया। सोनिया गांधी ने कहा कि आज देश आर्थिक मंदी, बदहाली के दौर से गुजर रहा है। देश की जनता को गुमराह करके बीजेपी का चेहरा बेनकाब हो गया है। सिंगरौली जिले के हजारों कार्यकर्ता, सिंगरौली जिले से अमित द्विवेदी, राम शिरोमणि साहवाल, पिछड़ा वर्ग रमा शंकर शुक्ला, जिला कांग्रेस कमेटी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, ट्रांसपोर्ट प्रकोष्ठ रामगोपाल पाल, असंगठित कामगार कांग्रेस ने नेतृत्व में दिल्ली पहुंचकर मोदी सरकार की गलत नीतियों का पुरजोर विरोध किया। सिंगरौली जिले के साथियों द्वारा बैंड बाजे के साथ रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करते हुए रामलीला मैदान तक पहुंचे। गौरतलब है कि पूरे सिंगरौली जिले के बैड़न, बरगवां, देवसर, मोरवा, सरई, मांडा सहित कई क्षेत्रों के प्रदेश, जिला, ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर, बूथ कार्यकर्ता रैली में शिरकत करने के लिए रवाना हुए। अमित द्विवेदी ने कहा कि मोदी सरकार के कारण देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। नोटबंदी, जीएसटी, किसानों के मुद्दे, युवाओं को रोजगार के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पूरी तरह फेल है। सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद व आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्हें मैं इस ठंड के महीने में हजारों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जाकर सिंगरौली की उपस्थिति दर्ज कराई है। आज हम सब लोग सिंगरौली जिले से चल के दिल्ली आए हैं और दिल्ली आने का मुख्य उद्देश्य मोदी सरकार के खिलाफ जो मूर्ति की आर्थिक नीति, किसानों के खिलाफ की नीति, युवाओं को बेरोजगार देने की नीति, नोटबंदी की नीति, जीएसटी की नीति, इस सब का विरोध करने के लिए, आर्थिक मंदी की जो हालात है उसका विरोध करने के लिए आज सिंगरौली के जिले से पूरे कार्यकर्ता आए हैं और हम लोग मोदी की यहाँ पे ईंट से ईंट बजा के जाएंगे और निश्चित रूप से आगामी आने वाले दिनों में यहाँ पे मोदी सत्ता से बाहर होंगे और कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर राज करेगी, क्योंकि कांग्रेस जब आएगी तभी दलितों का, मजदूरों का और शोषित लोगों का तभी लाभ हो सकता है जब कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी। खबर समय जगत के लिए चितरंगी से रजनीश साहू की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।